जिसको जाना है वो तो जा भी सकता है किसी को खुला छोड़ना किसी को आजादी देना भी प्यार है भाई आप लग जो उस के पीछे आपको मिल ही जाएगी मैं कह रहा हूं, जितनी शिद्दत से लगोगे ये होता है कि किसी को जल्दी किसी को बाद आप लोग के लिए सबसे बेस्ट जो आपको लव लेसन मिला है क्या Experience लव लेसन हाँ। अगर मुझे मिला है तो ये की ज्यादा बहुत ज्यादा सिर्फ आप इमोशनल होके मत सोचो प्यार में बी प्रैक्टिकल ऑल्सो कि इतने ज्यादा इमोशंस मत अटैच कर लो कि कल को अगर वो बंदा चला भी जाए तो आपकी हालत खराब है और आप संभाल नहीं पा रहे हो इतने प्रैक्टिकल रहो कि जिसको जाना है वो तो जा भी सकता है तो मुझे ये लव लेसन मिला है आई एम वेरी प्रैक्टिकल नाउ मैं इमोशनल भी बहुत हूँ बट अब मेरे इमोशंस मैं खुद हैंडल करती हूँ मैं उसकी बागडोर सामने वाले को नहीं देती क्योंकि मेरे इमोशंस है इस पर सिर्फ मेरा हक है मैं बिल्कुल एग्री <laughs> करता हूँ इनकी इस बात से इतना इमोशनल मत हो कभी भी कि आप अपनी लाइफ खराब कर लो किसी के लिए क्योंकि अगर कोई नहीं वैसे भी आपकी लाइफ संवार तो आप खुद ही संवारो फिर नहीं कि टूट बिखर गए उजड़ गए ये नहीं होना चाहिए बस किसी लो अपना टाइम लो आप एक महीना जितना रोना है, बुरा है, रो, लगता दो, है आई अग्री रो लो लो जो करना है लेकिन अपना मोटिवेशन लाइफ का मत छोड़ो और ये चीज ध्यान में रखो कि यार अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्यार है ना फॉर फोर यूम से किसी को हासिल करना ही सिर्फ प्यार नहीं होता है ना किसी को खुला छोड़ना किसी को आजादी देना भी प्यार है सो so, जिसको जाना है वो जाए अगर आपको प्यार है प्यार में रहो मैं तो कहती हूँ मूव ऑन करो अपनी लाइफ में आगे करो और ऐसा करो कि सामने वाला सोचा कि मैंने क्या छोड़ दिया <laughs> लाइन बोलिए क्योंकि मैंने हर बार ये की हाँ? है मैं तो हाँ, मैंने हर बार सोच तो रहे होंगे अब बैठ के हाँ मेरे ब्रेकअप्स के बाद मैंने हर बार गौरव आई मेड श्योर की आई विल मेक हिम मतलब उनके लिए नहीं बट हाँ। मैंने ये मेरे सोच में रही थी कि मैं ऐसा अच्छा काम करूंगी देन लेटर ऑन दे विल रिग्रेट क्योंकि मेरी इंडस्ट्री के लिए जहां पर मैं काम करती हूँ उस चीज के लिए मुझे छोड़ा गया कि नहीं ये तो इस, इस फील्ड की लड़के नहीं चाहिए वॉट इज दिस मतलब लड़की तो लड़की है ना आई I मीन mean, मैं क्या उस चीज में बोलू तो मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती थी आज वही जब मैं टच वुड भगवान जी ने थोड़ा बहुत जितना किया है थैंक यू उतने में अभी मुझे पता है कि हाँ दे आर लाइक अभी क्या होता अगर मेरी हो जाती वही बाईस तेईस में मैं शादी करके बैठ जाती अगर वही नॉर्मल एक हाउस वाइफ रहती क्योंकि वहां पर जिन जिनके साथ मैं रही हूँ तो वो तो काम वाम करना भी अलाउ नहीं करते हैं तो वो लाइफ होती है ना एम वेरी थैंकफुल आई एम वेरी ग्रेटफुल कि थैंक गॉड इट हैपन और दे ऑल्सो फील की यार लड़की बड़ा अच्छा कर रही है और क्योंकि कॉमन फ्रेंड्स होते हैं आपको सुनने में आता है सब समझ में आता है एग्जैक्टली पता लगती है क्या चीजें होती है क्योंकि सेम ग्रुप्स होते हैं कॉमन फ्रेंड्स होते हैं तो पता रहता है बट हाउ डज इट इवन मैटर अब ऑलवेज फोकसल्फ हार्ट होते हैं जब हो, तो समझ जाओ, आपको कुछ अच्छा है। कुछ अच्छा होने वाला अच्छा है ऑल्सो आई फील एक आइडियल पार्टनर मिलना एक नसीब का तो है एक बिलीव करता हूँ आज हम आते आते दोनों यही बात कर रहे हैं गाड़ी में किस्मत मेरे को यूँ लगता है कि किस्मत के ना जो हम अपने आपको एक बहाना देते हैं हाँ। कि यार किस्मत भाई आप लग जाओ उस चीज के पीछे आपको मिल ही जाएगी मैं कह रहा हूं जितनी शिद्दत से लगोगे ये होता है कि किसी को जल्दी किसी को बाद इस चीज में मैं बिलीव कर तभी तो कहते हैं पेशेंस भी चाहिए भाई तो अपने आप को किस्मत का कभी नहीं बोलना